हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग, अनदर कार। आज देख रहे हैं हम टाटा हैरियर XZA+ डार्क एडिशन है ये, और टॉर्क कन्वर्टर है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। गाड़ी में देखो, डार्क एडिशन में गाड़ी लगती कितनी प्यारी है। इस SUV में अभी तक जो कमियां थी वो टाटा ने सारी पूरी कर दी हैरियर के अंदर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये BS6 फेज 2 वाली गाड़ी है, अपडेशन हुई है। अपडेशन क्या क्या हुई है उसके बारे में आगे बात करेंगे, थोड़ा प्राइस में भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट स्टार्ट करेंगे पहले गाड़ी के फ्रंट से कि कंपनी हमें इसमें ऑफर क्या क्या कर रही है। तो बात करें फ्रंट से, तो विंडशील्ड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, विट टू वॉशर, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। यहाँ पे टाटा का लोगो, रेडिएटर ग्रिल आपको ग्लोसी ब्लैक में मिलेगी। नीचे आपको 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोअर ग्रिल है वो भी मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी, और जो बम्पर का लोअर पार्ट है पूरा ही आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे, ये आपका इंडिकेटर में वर्क करेंगे। प्रोजेक्टर मिलेगा, LED बेस प्रोजेक्टर आपको लो बीम के लिए मिलेगा, और हाई बीम के लिए आपको हैलोजन बेस हेडलैम्प्स मिलेंगे। नीचे आपका फॉग लैम्प्स, बाकी गाड़ी का फ्रंट आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से नंबर प्लेट की जगह। फीचर जैसे बात करें, इसमें 360 डिग्री के लिए हमें कैमरे मिल गए, इसमें फ्रंट पार्किंग कैमरा भी आ चुका है। यहाँ से गाड़ी का पूरा फ्रंट देख सकते हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ फेंडर पे आपको हैश डार्क की मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, बैजिंग की हुई है हैश डार्क की। नीचे आपको जेड ब्लैक की, इसके थोड़ा ग्लोसी में है अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेंगे, 235/60/18 का टायर साइज मिलेगा, 18 इंच के इसमें अलॉयज मिलेंगे हमें। फ्रंट डिस्क मिलेंगे और रेयर भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको RPM ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टर मिल जाते हैं विद इंडिकेटर। यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा मिल जाएगा ORBM में, दोनों साइड मिलेगा ORBM में। बाकी ब्लैक में देखो, पूरा ही ब्लैक है, डार्क एडिशन है, तो कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि फेंडर पर थोड़ा क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिल जाता है हमें। ए पिलर सेम बॉडी कलर मिलेगा, रूफ रेल्स नहीं है इसमें, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा काफ़ी बड़ा देखने के लिए, शार्क फिन एंटीना। बी पिलर ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा, जो डोर हैंडल्स है वो सेम बॉडी कलर मिलेंगे, और ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आपको, को ड्राइवर साइड भी देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक, रेयर भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, और अगर आपका गाड़ी अनलॉक है तो फ्यूल कैप आप खोल सकते हो, बाहर आने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाएगा, हालांकि थर्ड रूम में स्पेस नहीं होता, इसमें बूट स्पेस होता है, बट फिर भी छोटा सा ग्लास मिल जाता है। वहीं ऊपर आएंगे क्वार्टर पैनल से ऊपर, यहाँ पे हैरियर की बैजिंग मिल जाएगी आपको डार्क में। साइड प्रोफाइल पे चलने से, रेयर प्रोफाइल पे चलने से पहले, साइड प्रोफाइल पे आपको इसका जो LED बेस्ड टेल लैंप है उसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप साइड से भी गाड़ी देखेंगे तो यहाँ से भी आपको LED टेल लैंप का पार्ट देखने के लिए मिलेगा, नीचे रिफ्लेक्टर। अब आ जाते हैं गाड़ी के रेयर लुक पे। यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ, ये आपका रिवर्स लाइट है, ये इंडिकेटर, ये रिवर्स लाइट, और ये आपका स्टॉप लैंप ऊपर की साइड, ये भी पूरा ब्लैक में मिलेगा टाटा का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, और यहाँ पे एक टाइगर और दो उसके छोटे से बच्चे। पीछे हैरियर की बैजिंग मिलेगी बूट गेट पे आपको देखने के लिए। चार पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, ब्लैक स्किड प्लेट मिलेगी इसमें हमें। अब आ जाते हैं इस साइड, को ड्राइवर साइड। तो फ्यूल टैंक तो इसका राइट साइड पे होता है, मैं दिखा चुका आपको। यहाँ भी आपको हैरियर की बैजिंग मिलेगी दोनों तरफ क्वार्टर पैनल पे, ग्लोसी ब्लैक में डोर हैंडल्स हैं। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। इस साइड भी आपको 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा मिलेगा ORBM पे। हैज डार्क की एडिशन लेफ्ट पैनल पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर में। तो कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें स्मार्ट की, लॉक अनलॉक का बटन, ये बूट गेट खोलने के लिए, और ये प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने प्रेस करा तो इसकी हेडलैम्प्स ऑन हो गए, और इसी से आपके ऑफ हो जाएंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ भाई रिक्वेस्ट सेंसर तो हमें मिल ही जाता है, जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो पूरा आपको ब्लैक में इसका इंटीरियर थीम देखने के लिए मिलेगी। जो इंटीरियर है इसका, डैशबोर्ड वगैरह, थोड़ा फैब्रिक टाइप देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे ड्राइवर डोर पैनल से। यहाँ पे आपको ORBM कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी, यहीं से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं नीचे आएंगे तो डोर एक्सेस हैंडल, यहाँ ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा। डोर ओपनर गार्निश में, लॉक अनलॉक का बटन, ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच में मिलेगा। ड्राइवर ट्रीम आर्मरेस्ट भी आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा। चारों पावर विंडो मिलेंगी चाइल्ड लॉक के लिए। वाटर बॉटल स्पेस,
नीचे पटल लाइट मिल जाएगी रेड कलर की, स्पीकर। अब आ जाते हैं अंदर, जो अपडेशन होनी थी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, जो भी तक कमी थी। अब इसमें हमें सीट मेमोरेबल मिलेंगी, यहाँ से आप इनकी मेमोरी सेट कर सकते हैं तीन लोगों के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करेंगे वहाँ पे आपकी सीट एडजस्ट हो जाएगी मेमोरी पर करके 1, 2, 3, और वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी ड्राइवर भी और को ड्राइवर भी। और ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, हेडरेस्ट पे भी आपको डार्क की मार्किंग मिलेगी, कॉर्निंग एयरबैग्स। अब चलते हैं अंदर, नीचे दो पैंडल्स, डेड पैंडल हैगा साइड में, ब्रेक और एक्सीलेटर, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, एसी वेंट में सराउंडिंग आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगा, और अपर पार्ट ग्लोसी ब्लैक में। अब आ जाते हैं अंदर, तो यहाँ कुछ इस तरह का स्टेयरिंग मिलेगा। पहले एंटर होते हैं ना, सीट एडजस्ट होती है इसकी, थोड़ा सा सीट को पीछे कर लेते हैं, मैं पीछे कर रहा हूँ, इसकी हाइट हो रही है ऊपर। करेंगे स्टेयरिंग से, तो कुछ इस तरह का लेदर रैप स्टेयरिंग मिलेगा हमें, ये पार्ट ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा, और कुछ कुछ यहाँ आपको अलग सा लुक देखने के लिए मिलेगा। बट उससे पहले स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, यहाँ स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी इस जगह पे आपको, और स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट स्पोक पाएंगे तो यहाँ आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा ग्लोसी ब्लैक में अलग से बीडिंग सी देखने मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो आपका स्पोक है ग्लोसी ब्लैक में दिया हुआ है थर्ड स्पोक। यहाँ क्रूज कंट्रोल की पूरी यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी, टाटा का लोगो, एयरबैग, टोटल 10 एयरबैग्स मिलेंगे इसमें में, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों ए पिलर्स में, कॉर्निंग एयरबैग्स, साइड एयरबैग्स, और दो पीछे पैसेंजर्स के लिए, तो टोटल 10 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ पे आपका मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स। एक बार इसका मीटर ऑन कर लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो यहाँ जैसे ही ऑन करेंगे हम इसे, कुछ इस तरह का पूरा ही डिजिटल हमें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। जो इसकी MID है वो पूरी आपको डिजिटल देखने के लिए मिलेगी। साइड में आपको RPM एनालॉग में मिल जाएंगे, बट ये भी डिजिटल मिलेंगे। स्पीड मीटर ये भी एनालॉग में मिलेगी। यहाँ पे आपका फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, पूरा ही ये डिजिटल MID दी हुई है। ये आप जो देख रहे होगे तकरीबन 7 इंच की MID है जो इसके अंदर दी हुई है, बाकी यह है पूरा डिजिटल ही, बीच में अलग से MID दी हुई है। और इसमें नोटिफिकेशन आपको, जैसे सिटी मोड लगा हुआ है तो उसका भी आ रहा, ऑटो है जो ड्राइविंग मोड चेंज होते हैं तो सिटी मोड लगा हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन आप लेफ्ट में देख रहे होंगे। बाकी माइलेज वगैरह, DEF लेवल क्वालिटी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि कितना DEF है इसमें, जैसे आप ब्लू ऑयल बोलते हैं। अब ऊपर आएंगे तो यहाँ कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा इसका, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएंगे जहाँ पे JBL की मार्किंग भी की हुई है, यहाँ आपका एयरबैग्स, और वहीं पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी। ये अपग्रेड हुई है जो डिस्प्ले इसकी, ये अपग्रेड करके दी है इन्होंने। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, अब वायरलेस मिल जाता है, पहले USB के थ्रू कनेक्ट होता था वही अब वायरलेस हो जाएगा। और आप देख रहे होगे आपको डिस्प्ले भी इसकी देखने में कुछ अलग सी लग रही होगी, पहले से चेंज है इसकी जो डिस्प्ले है। और फीचर्स की हम बात करेंगे, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इसमें हमें, पहले बाहर चलते हैं मेन स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिल जाता है, एप्पल कारप्ले मिल जाता है हमें, मीडिया वगैरह की कनेक्टिविटी मिल जाती है, यहाँ से आप वॉइस असिस्ट वगैरह, साइंड वीडियो प्लेयर वगैरह, वीडियो डेमो वगैरह, सराउंडिंग व्यू वगैरह, यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ से 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको मिल जाएगा 2D 3D, जिस तरह से भी आप देखना चाहते हैं, साइड व्यू देखना चाहते हैं, रियर व्यू देखना चाहते हैं, और 2D में यहाँ से आपको देख सकते हैं। वहीं नहीं चाहेंगे तो दो AC वेंट, यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स के ऑप्शंस मिलेंगे लाइट्स के, यहाँ पे हजार लाइट का बटन, ये इको मोड और आपका स्पोर्ट्स मोड के बटन यहाँ मिलेंगे, ये स्पोर्ट्स मोड है, ये आपका स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, वहीं आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे इकोनॉमिक ड्राइव मोड एक्टिवेटेड की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और यहाँ भी इन इको लिखा आ गया। अब इसे बंद कर देते हैं, यहाँ ही आएंगे, नीचे आएंगे उससे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर, इधर आपका 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा बटन भी यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप प्रेस करके देख सकते हैं, और इन्फोटेनमेंट सिस्टम में भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग मोड मिलेंगे आपको, जैसे कि ये वेट मोड हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे रफ मोड मिलेगा, रफ, वेट, और तीसरा मोड आपको सिटी मोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ड्राइविंग मोड मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ जैसे इसे टर्न करेंगे वेट मोड, आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर भी दिखाता रहेगा रफ मोड, वेट मोड और सिटी मोड।
ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर में आपको देखने के लिए, इलेक्ट्रिकली पावर ब्रेक्स, ऑटो होल्ड का फीचर, टू कप होल्डर्स, यहाँ पे आर्मरेस्ट स्लाइडेबल तो नहीं मिलेगा बट आर्मरेस्ट के अंदर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा, एक यूएसबी, एक टाइप सी चार्जर मिल जाएगा और कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलेगा इसमें। यहाँ भी आपको एक यूएसबी टाइप पॉइंट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स मिलेगा, लाइट है, ग्लोव बॉक्स के अंदर आप स्पेस जानते हैं कि कितना स्पेस होता है टाटा की गाड़ियों के ग्लोव बॉक्स के अंदर। बाकी ये तो पूरा फ्रंट हो चुका, वहीं ऊपर आएंगे तो ऑटो डिमिंग आईआरबीएम्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे वाइट रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ आपका सनरूफ कंट्रोल पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता काफ़ी बड़ा, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, इसे बंद करने के लिए यहाँ कंट्रोल्स मिलेंगे सनरूफ के, और वेंटिलेशन के लिए खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। ये आपके सनरूफ के सारे कंट्रोल्स हैं। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे, ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट कवर, अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। यहाँ जैसे ही हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे तो वही पूरा ब्लैक में हमें इसका इंटीरियर थीम बेस देखने मिलेगा, नीचे पडल लाइट मिल जाएगी आपको, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ अच्छा स्पेस मिल जाता है हैरियर और सफारी के पैसेंजर डोर्स में हमें देखने के लिए। यहाँ डोर एक्सेस हैंडल, ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्री में हमारा सॉफ्ट टच में मिलेगा, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे ट्विटर दिया हुआ है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा विथ टू कप होल्डर्स, यहाँ पे टाइप सी चार्जर्स मिल जाएंगे, और जो पैसेंजर डोर्स के लिए सीट्स के लिए हमें एसी वेंट यहाँ मिलते हैं बी पिलर के अंदर दोनों साइड, यहाँ पे आपके एसी वेंट्स मिलेंगे, ऊपर आप सनरूफ देख चुके और यहाँ भी आपको इस साइड भी एयरबैग्स मिल जाएंगे पैसेंजर्स के लिए भी, तो टोटल 10 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें हमें, एसी वेंट्स भी मैं दिखा चुका। अब चलते हैं पीछे बूट स्पेस पे, तो यहाँ जैसे इसका बूट गेट ओपन करेंगे तो 425 लीटर का बूट स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है, विद पार्सल ट्रे भी मिल जाती है आपको इसमें, यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं बूट स्पेस में आपको देखने के लिए, एक लाइट मिलेगी, यहाँ JBL का स्पीकर एक यहाँ भी मिल जाएगा आपको बूट में भी इसके, और यहाँ पे आपका थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे आपको इन्फ्लेटर भी देखने के लिए मिल जाता है टाटा की तरफ से, इन्फ्लेटर भी आता है। और अब चलते हैं पीछे, तो भाई ये तो हो चुका आपका बूट स्पेस, और स्पेयर व्हील हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा नीचे। अब चलते हैं इंजन कैबिनेट पे, वहाँ क्या अपडेशन है। ये तो हो चुका गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर, अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मैं डिस्प्ले पे भी डाल देता हूँ। यहाँ में 2 लीटर का क्रियोटेक डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 168 BHP और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 14.63 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम करती है, 7731.5 किलोमीटर आपकी फुल टैंक पे गाड़ी चल सकती है, 50 लीटर का हमें डीजल टैंक मिल जाता है इसके अंदर, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 गियर के साथ, मैनुअल ओवरड्राइव, स्पोर्ट्स मोड इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, BS6 फेज 2 टर्बो चार्ज वेरियंट आप देख रहे थे। ये था आपका टाटा हैरियर XZA+ का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन, गाड़ी कैसे लिए कमेंट में बताना, वीडियो कैसे लिए कमेंट में बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।